हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने जानते हैं कि अभी RRB ने NTPC का रिजल्ट दिया था और उस रिजल्ट को बहुत ही हाई कट ऑफ पर उठाया था, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस एग्जाम की CBT 1 की रिजल्ट में नहीं हुआ है। और दोस्तों, इसी के चलते बिहार का एक चंदन कुमार नाम का एक लड़का ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि क्या आपकी आत्महत्या से आपको कुछ मिला? आत्महत्या कर लेने से क्या आपकी रिजल्ट आ जाएगी? दोस्तों, कभी नहीं आए। आत्महत्या करने से सिर्फ आप अपने परिवार को धोखा दिए हैं। आप अपने माता-पिता को, अपने भाई-बहन को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, जो चंदन कुमार था, उसका पिताजी एक ठेला चलाता था और बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पटना पढ़ाता था, और ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार का जो कदम उठाया गया, यह उनके परिवार के लोग इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर रहे। हम मानते हैं दोस्तों कि इसमें उनका रिजल्ट नहीं हुआ, तो क्या लोग रेलवे में नौकरी के बाद ही जिंदा रहते हैं? क्या नौकरी होगा उसके बाद ही आपकी जीवन यापन चलेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना नौकरी के ही अच्छा जिंदगी जीते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, कुछ क्वालिटी से जीते हैं और एकदम शान के जिंदगी जीते हैं, और एक छोटी सी नौकरी के लिए अपने आप को मार देना यह बहुत ही गलत है। दोस्तों, हम मानते हैं कि परीक्षा में सफल असफल इंसान होते रहता है। आप असफल होते हैं उसके बाद ही आपको और मेहनत करने की चाहत होती है और आप अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, तो अगली बार आप जरूर सफल होते हैं। और दोस्तों, वह लड़का जो पहली बार ही इस रेलवे का एग्जाम दिया था, और वह पहली बार में ही अपने आप से हार गया और अपने आप को गवा बैठा, और अपने जो उनका पिता था, ठेला चलाता था, उनको बेसहारा छोड़कर वो चला गया। दोस्तों, मैं मानता हूं कि नौकरी नहीं हुआ, अगर नौकरी नहीं भी होगा तो हम लोग ठेला चलाकर भी तो जी सकते हैं, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, या खेती भी कर सकते हैं, किसानी भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को तो साथ दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आत्महत्या कर लेना, क्या कोई उपाय है? नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने भी बहुत सारा एग्जाम दिया है, बहुत बार फेल हुए हैं, तो क्या सभी को ऐसा कदम उठाना चाहिए? दोस्तों, नहीं। जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन में जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा, आप तकलीफें नहीं झेलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अंबानी अदानी के बच्चे तो है नहीं कि आपको बैठे बैठाए है सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष को आपको झेलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। उस संघर्ष से आप अगर हार गए तो आप ऐसी गलती कर देते हैं। इस प्रकार की गलती दोस्तों नहीं करना है। जो जिंदगी में जो संघर्ष को झेला है, वही दोस्तों आगे बढ़ा है। बगैर संघर्ष के जीवन ही बेकार है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपको सफलता का स्वाद आप नहीं चख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा संघर्ष करते रहिए। जिंदगी से, अपने आप से कभी भी हार मत मानिए, और अपने माता-पिता को, जिन्होंने आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आप उनको धोखा देकर चले जाते हैं,
यह दोस्तों बहुत ही गलत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आत्महत्या ही समस्या का समाधान नहीं है। आपकी जिंदगी खत्म कर लेना समस्या का समाधान नहीं। दोस्तों आप जिंदा रहेंगे तब तो आप तो को रेलवे नौकरी देगा। हम जानते हैं हम लोग रेलवे कर्मचारी हैं। यहाँ प्रत्येक दिन लगभग बहुत से कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो रेलवे तो भर्ती आप ही लोगों को करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा किसी को भर्ती कर लेगा। जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उन्हीं को तो रेलवे भर्ती करेगा, लेकिन जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रेलवे भी आदमी कहाँ से लाएगा, भर्ती कहाँ से करेगा। तो दोस्तों उन्होंने जो यह कदम उठाया है वह बहुत ही गलत था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जीवन में जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी आप डिप्रेशन में आए, तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए उन लोगों से जिनके पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी वह जिंदा रहते हैं। और वैसे लोगों से आप मोटिवेट होइए जो भीख मांग कर अपनी जिंदगी बिताते हैं, फिर भी उनको जीने की चाह है। उस दिव्यांग से अपनी तुलना कीजिए जिनके पास आंख नहीं है और वह भी अपने आप को जिंदा रखना चाहता है। और हम लोगों के पास, हमारे स्टूडेंट के पास ऐसी स्थिति है कि भगवान ने उनको दो आंख दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, फिर भी हम लोग इतनी बड़ी कदम उठा लेते हैं। क्या हम इन हाथ पैर इन आंख इन दिमाग का यूज और दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं? और दूसरी जगह करके क्या हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं? क्या एक नौकरी ही है जो जिससे हमारा परिवार चलेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इस छोटी सी रेलवे की नौकरी के लिए आप अपने आप को गवा देना, अपने माता पिता को धोखा दे देना, यह बहुत ही गलत है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि आत्महत्या ही समस्या का समाधान नहीं है। जब भी आपके मन में आप ऐसा डिप्रेशन में आए तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपने आप को संभालिए और उस डिप्रेशन से निकलने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद। नमस्ते।